मुख्यमंत्री केदार कश्यप ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट दिलाने के नाम पर हुए लाखों रुपए के लेन देन के खुलासे को कांग्रेस के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला राजनीतिक चरित्र बताया है। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के ढोल तो खूब पीटती रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वह हर स्तर पर सौदेबाजी करने के मौके तलाशती रहती है। अब टिकटों की सौदेबाजी की दुकान का भंडाफोड़ हो गया है। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे सवालों की बौछार करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अब प्रदेश को बताएं कि आखिर ये टिकट बेचने वाला ठेकेदार कौन है, आखिर इसका पैसा किस तक जाता था, क्या ये सब राहुल गांधी भूपेश बघेल की जानकारी में हो रहा था, क्योंकि इन मामलों की शुरुआती जांच में ये तथ्य सामने आया है कि लाखों रुपए इन दावेदारों से पार्टी फंड के नाम पर वसूले गए थे। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। जब सरकार में थी तब उन्होंने पूरे प्रदेश में भू माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया, कोयला माफिया, और अब जब चुनाव हो चुका है तो टिकट माफिया के नाम से जग जाहिर हो चुका है। इनके वास्तविक चेहरे अब सामने आ रहे हैं। मैं भूपेश बघेल से और दीपक बैज से पूछना चाहता हूं कि हमारे ST/SC वर्ग के जो खल्लारी और राजदान गांव के महिला नेत्रियों को आपने पैसा लेकर के टिकट देने की बात कही और लाखों रुपए का जिस तरीके से हेरा फेरी की, शर्म आती है आपकी राजनीति पर। आपने पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है। आपको जवाब देना होगा छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में किस तरीके से आपने दुर्व्यवहार किया, किस तरीके से लोगों को छलने का काम किया है। ये तो जग जाहिर था, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ा। इससे सीधा सीधा तय होता है कि आप की निष्ठा केवल और केवल गांधी परिवार के प्रति है। राहुल गांधी का कितना हिस्सेदारी था, कुमारी सैलजा का कितना हिस्सेदारी था, इसका पूरा हिसाब आपको जनता के बीच में लाना चाहिए।